विराट भाई ने यही बात बोली है कि जो तू करता आ रहा है वो बेस्ट है, सिर्फ आगे भी यही चीज़ कंटिन्यू करनी है, ये कोई प्रेशर नहीं है कि परफॉर्मेंस कैसी रही है कैसी नहीं, पर यह है कि अपना 110% देना है। जो फर्स्ट मैच की परफॉर्मेंस थी वो बेस्ट परफॉर्मेंस थी और आगे भी कंटिन्यू ही करना है इसे। और जो मेरी स्ट्रेंथ है, जैसे मैं तेज डालता हूँ तो मुझे वही चीज़ बोली गई है कि पेस कम नहीं करना, मतलब अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखना है जी। जैसे हमारी आरसीबी टीम में विराट भाई, एबी डिविलियर, गैरी सर, आशु भैया, ये सब लीजेंड प्लेयर है। जैसे मैं इनसे बात करता हूँ नेट प्रैक्टिस में या मैच से पहले कुछ भी बातचीत करनी हो तो कि मैं प्लेयर के बारे में कैसे प्लान करना है, मैच के हिसाब से कैसे प्लान करना है, बहुत हेल्प मिलती है। एक क्योंकि ये जो भी एबी भाई हैं जैसे और विराट भाई हैं, ये टॉप क्लास के प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्रिकेट में बेस्ट प्लेयर हैं, तो इनके साथ जैसे प्रैक्टिस में अच्छी प्रैक्टिस करना एक बेस्ट कॉन्फिडेंस मिलता है, और जो भी बातचीत करो तो वो ये अच्छा बताते हैं, तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है कि अगर ये जो मेन प्लेयर है ये हमारी टीम में है तो इनके साथ प्रैक्टिस करके ऐसा नहीं लगता कि जैसे मैच में थोड़ा प्रेशर रहे, क्योंकि जो ये टॉप क्लास के प्लेयर है ये हमारी टीम में है, तो मेरे लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस वाली बात है। आरसीबी में जैसे आशु भैया हैं, आशु भैया के साथ जैसे मैं पहले से भी जानता हूँ आशु भैया को, तो जो ये T20 फॉर्मेट है जैसे IPL है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बेस्ट प्लेयर हैं और बेस्ट गेम के बारे में बता सकते हैं वो आशु भैया ही हैं, क्योंकि उन वो T20 के बेस्ट प्लेयर रहे हैं वो। तो जैसे मैं उनसे बातचीत करता हूँ तो वो बेस्ट से बेस्ट बताने की कोशिश करते हैं मुझे, और ये है कि मैं उनसे वही चीज़ है कि वो मुझे बताएं और मैं उसे जल्दी से जल्दी गेन करूँ उस बात को, तो ये बेस्ट चीज़ है मेरे लिए। जैसे IPL से पहले हमारे मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट चल रहा था, तो मुझे यही था कि मैं उस मुश्ताक अली टूर्नामेंट में भी मैं अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दूँ, अपना जो मैंने एक चीज़ नई चीज़ एडोप्ट की है कि मुझे अपना पेस गेन करना था और वो मैं अपने T20 मैचेस में लेके गया, तो T20 मैचेस में भी यही था कि मैं अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट दूँ और सेम उसे कंटिन्यू करता हुआ कि अगर IPL में मुझे मौका मिलता है तो मैं उसे कंटिन्यू रखूँ। Hey RCB fans, we've created an exclusive app for all of you. To all the people out there, go and download the official RCB app. So cheer at the stadiums, but stay connected off the field as well. You can download it on the Google Play Store and also on the Apple App Store. You can get lots of music, fitness stuff, and also the behind the scenes stuff about RCB. And come and support us throughout the season. Cheers.